हेलो एवरीवन। तो आज हम सर्कल डिस्कस करने वाले हैं। सर्कल का आईसीएससी क्लास 9 में सर्कल के ऊपर 6 थ्योरम्स हैं, उनका प्रूफ हम देखेंगे। 5 प्रूफ्स तो हम एक ही सर्कल के डायग्राम में देखेंगे, बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं लेने वाला मैं इस वीडियो में, बस आपको थ्योरम समझा देने वाला हूँ मैं, ठीक है? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं थ्योरम्स। पहला थ्योरम जो है आपका वो ये है कि कोई भी परपेंडिकुलर मैं ड्रॉप करूं अगर सेंटर से एक पॉट पे, वो पॉट जो कि डायमीटर नहीं है, ठीक है, एक ऐसा पॉट जो कि डायमीटर नहीं है, जैसे कि आप समझो एई, और उसको सेंटर ओ से अगर मैं उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो ये उसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है? सही सुना आपने, क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। इसको अगर हमें प्रूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है? टेक्निकली मैं पूरा लिखने नहीं वाला हूँ, वो आपको किताब में मिल ही जाएगा, आपको बस समझना है। और इनको ज्वाइन कर दिया। अब आप इस ट्राइंगल को देखो और इस ट्राइंगल को देखो, आप और इन दोनों ट्राइंगल को देख पा रहे हो, तो ये आपका ओ ए और ओ बी जो है वो रेडियस है, पहला चीज आपको मिल गया। दूसरा आपका ओ ई जो है वो कॉमन क्वाड है, और थर्ड आपका ये लाइन परपेंडिकुलर बोला गया था, तो ये दो एंगल आपको मिल गया है। तो क्या बोला जा रहा था आपको, क्या प्रूफ करना था कि अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो तो इस ए बी को बाइसेक्ट करेगा। तो आपने 3 प्रॉपर्टीज जैसे ही मिला लिया ना, कि ओ ए ओ बी रेडियस हो गया, ओ ई जो है कॉमन क्वाड है, और ये 90 डिग्री है, ऐसा होते ही आपका ये कॉन्गुरेंट प्रूफ हो गया ट्राइंगल। और कॉन्गुरेंट प्रूफ होते ही ये सीपीसीटी से इक्वल हो गया, और ये इक्वल है इसका मतलब ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो देखो तुरंत से आपका पहला थ्योरम कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या है, अगर मैं लाइन ड्रॉप करता हूं और वो अगर उसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब यहां गिवन है कि ओएफ जो है बाइसेक्ट कर रहा है सीडी को, ओएफ बाइसेक्ट सीडी, ये अगर ऐसा गिवन है तो आपको प्रूफ करना है कि यह एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये परपेंडिकुलर है, मतलब पहले वाले थ्योरम का कन्वर्स है ये, ठीक है ना? तो चलो यहां क्या करते हैं, फिर से वही काम, इसको ज्वाइन किया और इसको ज्वाइन किया। अभी ओएफ तो कॉमन है दोनों में, और ओसी और ओडी ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये दोनों रेडियस है, और अभी बोला गया कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये दोनों इक्वल है। तो ये SSS रूल से आपका 3 साइड आपको मिल गया, 3 साइड मिलते ही सीपीसीटी से ये एंगल इक्वल, सीपीसीटी से जैसे ही ये एंगल इक्वल हुआ, अब ये एंगल इक्वल भी है और ये लीनियर पेयर भी है, मतलब एच और एच है दोनों एंगल, दोनों इक्वल भी है और लीनियर पेयर भी है, मतलब दोनों को ऐड करके 180 भी है, तो आपको एंगल क्या मिल गया, 90 डिग्री, ठीक है? दो थ्योरम आपका हो गया, ठीक है? अब थर्ड थ्योरम देखते हैं। ए बी और सी डी आप समझो इक्वल डिस्टेंस पे है, अगर ये इक्वल डिस्टेंस पे है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सो द पॉट्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें पता है कि ओ ई और ओ एफ जो है वो सेम है, तो जरा इस ट्राइंगल को लेते हैं और इस ट्राइंगल को लेते हैं। तो ओ ई अगर इक्वल है ओ एफ के, पहला चीज इक्वल मुझे मिल गया, ठीक। दूसरा चीज ये है रेडियस, एंड थर्ड ये एंगल 90 डिग्री, तो ये भी हो गया मेरा कॉन्गुरेंट। कॉन्गुरेंट अगर है तो ये साइड इसके इक्वल, अगर ये आधा वाला पार्ट इक्वल तो पूरा भी इक्वल ना, तो हो गया ये कॉन्गुरेंट। के बाद क्या, कॉन्गुरेंट तो हो गया था, अब सीपीसीटी से ये इक्वल, अब ये इक्वल तो ये वाला पूरा वाला पार्ट पूरे वाले पार्ट के इक्वल, सो इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉट्स होंगे वो इक्वल इन लेंथ होंगे, इसका भी कन्वर्स हो जाएगा। कन्वर्स में बोलना रहेगा कि वो इक्वल है, मतलब आपका लेंथ ऑफ द पॉट इक्वल है, आपको बताना है कि ये इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब आप गिवन रहेगा कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, ठीक, और आपको प्रूफ करना रहेगा
कि OE और OF जो है वो इक्वल है। तो ये भी आप उल्टा वही कन्वर्स करके कर लोगे कि चलो अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये एंगल 90 डिग्री है, फिर CBCD से ये इक्वल। तो ये चारों थ्योरम, चार चीज हमने क्या सीखा। पहला, अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो उसको बाइसेक्ट करेगा। सेकंड, वो अगर उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर होगा। थर्ड, इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉड होंगे वो इक्वल इन लेंथ होंगे। फोर्थ, इक्वल इन लेंथ वाले पॉड इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, किससे, सेंटर से। अब जो है वो है इसके लिए अलग एक डायग्राम बनाना होगा। अच्छा, एक और जो सिक्स नंबर थ्योरम है वो मैं थ्योरम बस बता देता हूँ, अब उसका ज़्यादा प्रूफ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वो है कि अगर ये पॉड जो आप देख रहे हो, ये पॉड अगर इक्वल आया ना, तो इसे ये जो है ना, ये इक्वल आर भी बनेगा, ठीक है। तो ये आर जो है सी डी वाला आर्क और ए बी वाला आर्क इक्वल होगा, ठीक है। अब एक और जो थ्योरम है वो है कि थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से एक ही सर्कल पास कर सकता है। देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तब करते क्या, थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, मैं पहले इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, इनको जैसे ही ज्वाइन किया तो वो सारे पॉइंट्स, क्योंकि ये एक सर्कल का पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट्स से सर्कल पास कर रहा है, मैं देख रहा हूं जो मान के चल रहे हैं, तो इनसे इक्वल डिस्टेंस पे होगा ना सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर से ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। मतलब सेंटर कहीं ना कहीं इसको ज्वाइन करने वाले लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। फिर यहां देखते हैं, इन दोनों के लिए भी वही होगा ना, सेंटर जो है इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। अब अगर इन तीनों से ही पास कर रहा है वो, अगर इन तीनों से ही पास कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ए बी के भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे और बी सी के भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा। अगर इन तीनों से पास कर रहा है तो इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल और एम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे सर्कल होगा। अब भाई एक प्लेन पे दो लाइन एक ही बार इंटरसेक्ट कर सकता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल है वो एक ही मिलेगा आपको, और सेंटर एक मिलेगा, और इन तीन पॉइंट से पास करेगा तो आपको एक रेडियस मिल जाएगा और सर्कल आपका एक ही बनेगा। सो देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू दिस। अगर ये अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और लोगों तक पहुंचा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो, थैंक यू।